मेरी प्यारी बहन बन रही है दुल्हन, मेरी प्यारी बहन बन रही है दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो। घर का हर फर्द ये दे रहा है दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बरसात हो। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। फसिल व मिन सैयात अमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लह व मन युदलिल फला हादिय लह, व नशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, व नशहद अन्न سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا الغنى في النكاح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. दर दर की ठोकरे हैं अब उसके नसीब में, जो जिंदगी बची है वो बदरंग हो गई। जिसने मेरे रसूल पे उंगली उठाई थी, क्या कहने, उसके लिए खुदा की जमीन तंग हो गई। सारे दरों को छोड़ के, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे, सारे दरों को छोड़ के, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के दे, एड़ी रगड़ के दे, अल्लाह। पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के दे, कोई बूझल मिटाना पाएगा तुझे। पागल मेरे रसूल का, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के, पागल मेरे रसूल का। बड़ा
खूबसूरत छोटा सा जलसा कम वक्त में आपके सामने है। छोटा मजमा हौसले से जवान, बहुत कम वक्त में बारात की आमद से पहले ही अल्लाह करे ये जलसा आपके हिस्से का मेरे हिस्से का मुकम्मल हो जाए। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाल्लाह हिसाब किताब बाद में करेंगे, शादी में खूब पानी की तरह पैसा बहाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए होश में नहीं। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल कम वक्त में आपकी पेशानी चमक रही है, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। आमीन आमीन। तीन काम में लेट नहीं होना चाहिए, वो तीन काम क्या है ये मेरा पहला सवाल है। तीन चीजें जिसको हासिल हो जाए वो बड़ा खुश नसीब है, वो पहली दूसरी तीसरी चीज क्या है? और तीसरा सवाल है, निकाह को अल्लाह ने अपनी निशानी बताई, इसका क्या मतलब हुआ? और आखिरी सवाल है, दो चीजों से आदमी मालदार बनता है, वो दो चीजें क्या हैं? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहला सवाल था, तीन चीज में लेट नहीं करनी चाहिए। जनाजा तैयार है, दफन करने में लेट मत कीजिए। नमाज का वक्त हो गया, लेट मत कीजिए, कजा हो जाएगी। कजा होगी आप टाल देंगे, उसको पढ़ नहीं पाएगा। और तीसरा, जब बेटा जवान हो जाए, बेटी जवान हो जाए, रिश्ता मिल जाए तो लेट मत कीजिए। रिश्ता चला जाएगा, अफसोस से हाथ मलना पड़ेगा। तीन चीज जिनको हासिल हो जाए वो बड़ा खुश नसीब होता है। लंबा चौड़ा घर जिसको मिल गया, बेहतरीन सवारी, खुशगवार सवारी मिल गई और नेक बीवी मिल गई, वो सबसे बड़ा खुश नसीब है। बेशक निकाह अल्लाह की निशानी है। क्यों? निकाह से पहले लड़का लड़की को जानता नहीं, लड़की लड़का को जानती नहीं। जैसे ही निकाह हुआ, लड़की का दिल से ताल्लुक लड़का से हो गया, लड़का का दिल से ताल्लुक लड़की से हो गया। लड़की को तकलीफ, लड़का परेशान, लड़के को तकलीफ, लड़की परेशान। निकाह के बाद दोनों को दिल का ताल्लुक हो गया, इसलिए अल्लाह की निशानी। सुभान अल्लाह। दो चीजों से आदमी मालदार होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगी। दो चीजों से आदमी मालदार होता है। आप गरीब आदमी है, मैं गारंटी लेता हूँ, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। हज करके आइए, अल्लाह आपको मालदार बना देगा। बेशक दिखाइए, इतना बड़ा गांव है, हज करने के बाद कोई हाजी गरीब हुआ है तो दिखाइए, दस गुना और मालदार हो गया। पहले फकीर था लेकिन हज के बाद गनी हो गया, हज से आदमी मालदार हो जाता। बेशक। और निकाह दूसरी चीज जिससे आदमी मालदार होता है, निकाह से। निकाह के बाद देखिए, लड़का जिम्मेदारी से कमा रहा है, माँ बाप के लिए अलग, बीवी के लिए अलग, बाल बच्चे के लिए अलग। पहले आजाद था, काम धंधा करता ही नहीं था, क्रिकेट में लगा रहता था, मोबाइल में लगा रहता था। जैसे ही शादी हो गई, 80 की स्पीड से अब कमा रहा है। निकाह के बाद आदमी मालदार हो जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, ये वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं, सुभान अल्लाह, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। इफलास से था सईद पाक का ये हाल, घर में कोई कनीज ना कोई गुलाम था। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियां, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था। अट जाता था से मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था। यूं की है अहले बैत मुताहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख तरे खैरुल अनाम था। पहला पैगाम, एक बेटी पर पांच पांच जुल्म होता है। इस दास्तान को सुना रहा हूं, खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
बेटी से नफरत मत करो, मैं भी बेटी का बाप हूँ। एक आदमी को 10-10 बेटी हो गई, अल्लाह से कह रहा मेरे परवरदिगार बस करो ये मुसीबत, 10-10 बेटी हो गई, एक भी बेटा नहीं। अब हाथ उठा करके बद्दुआ कर रहा, अल्लाह करे ये 10 बेटी एक साथ मर जाए। एक साहबी ने सुन लिया, अरे बद्दुआ क्यों करते हो, लाने वाला बाद में लाता है, रोजी का इंतजाम पहले करता पहले है, करता, बेशक। तुम खिलाने वाले नहीं हो, अल्लाह खिलाने वाला है। बेशक। एक साहब की बीवी को 2 बेटी, तीसरी बेटी पेट में है, तो वो कहता है कि अगर तीसरी बार बेटी हुई तो मैं घर छोड़ करके भाग जाऊं। दूर मस्जिद में बैठा हुआ है, किसी को भेजा के पता करो कि मेरी बेटी ने क्या जन्म दिया है, पता चल गया कि बेटी हुई है, घर छोड़ करके भाग गया। अब बीवी ने बड़े अफसोस से कहा, इन्नमा नाखुज़ु मा उतीना, अरे हम खुदा थोड़ो हैं, हम तो खुदा की बंदी हैं, खुदा ने हमें जो दिया वही तो हमने तुम्हें दिया, हम खुदा कहाँ है कि बेटा पैदा करें। बेटी की बीवी की फरियाद सुन करके जो भागा हुआ शौहर था घर वापिस आ गया। पहले नारा लगता था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मियां बीवी दो बच्चे दो। उसके बाद नारा लगने लगा, क्या नारा लगेगा लगता है, हम दो हमारा एक। और आगे क्या नारा लगेगा जानते हैं, हम दो हमारा कोई नहीं। दो सामान तैयार करना पड़ता है, देखिए बेटी की शादी है, ठीक शादी के बाद बाप की परेशानी दूसरी यह है कि बेटी की शादी के बाद सामान का इंतजाम करेगा। 2 जहेज है बेटी के लिए, एक जहेज है माल का और दूसरा जहेज है नेकी का, नेकी का जहेज खुदा के लिए, माल का जहेज शौहर के लिए। एक बेटी पर 5-5 जुल्म होता है। पहला जुल्म दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसी हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को जिंदा मारा जाता। आप कहेंगे कैसे, ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं है बेटी है, उसको गिरा दिया। माँ बाप ने अपनी बेटी को जिंदा मार दिया, 10 लाख की तादाद में 1 साल बेटी मारी जाती है। दूसरा जुल्म यह है कि बेटी को चूल्हे पर बिठाया और बेटा को स्कूल भेज दिया। तीसरा जुल्म है, हज में जा रहे हैं, सब कुछ बेटा को लिख दिया, बेटा को माला माल, बेटी को कंगाल। और चौथा जुल्म है, बेटा पैदा हुआ तो सर उठा रहा है, मिठाई बांट रहा है, अपना धन आया। और बेटी पैदा हुई मुंह छुपा रहा है, लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करे। मुंह इसलिए छुपा रहा है कि बेटी है पराया धन है, अपना धन नहीं। और पांचवा जुल्म यह है कि बेटा का निकाह आसान, बेटी की शादी बहुत मुश्किल। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा को चाटेंगे बेटी को थूकेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, पूरे बेदार हैं, यही बेदारी में देखना चाहता था। आप लोग मुकम्मल दिलो दिमाग से तैयार हैं और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। अगर जंग बैठती दुखते कोई तकदीर की है टी, छछुंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी। अगर जंग बैठती दुखते कोई तकदीर की है टी, छछुंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी। गढ़ा एक खोद कर दुख्तर को जिंदा गाड़ देते थे, कोई बिच्छू था दामन में के दामन झाड़ देते थे। दूसरा पैगाम तेजी से निकलना है, खाएंगे अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम, 3 मिनट में गुजर जाएगा। शादी में 2 ही खर्च है, हम लोग दुनिया भर का खर्च कर रहे हैं लेकिन शादी में 2 ही खर्च है,
अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ कितना कम खर्च है, कितना मुख्तसर है। दो ही खर्च है और दोनों खर्च लड़का के जिम्मे है, लड़की वाले के जिम्मे नहीं है। पहला खर्च है महर का पैसा दो, दूसरा खर्च है बीवी को लेकर के आए हो मैके से, वलीमा करो, भोज भात खिलाओ। दो ही खर्च है। और आपको सुनकर के हैरत होगी, देवबंद है, देवबंद में वो हवेली आज भी मौजूद है, मुजफ्फर हुसैन नाम की हवेली आज भी मौजूद है। उसमें हाथी बांधा जाता था, उसके दो तरफ से दरवाजे निकलते थे। जब इतना बड़ा रईस अपने बेटे की शादी किया तो वलीमा खिलाया 7 दिन तक, और एक गांव के नहीं, देवबंद के लोग नहीं, 1000 बस्ती के लोग वलीमा खाने के लिए आए थे। लेकिन कोई आज जाकर के देखे 7 दिन अपने बेटे का वलीमा खिलाने वाला क्या हाल है, वो हवेली सुनी है और उनके बच्चे भीख मांग रहे। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कितना भी खिला दीजिए, दस्तरखान लंबा कर दीजिए, हर दौलत को लुटा दीजिए, आपकी तारीफ नहीं होगी, बुराई हो। दिल्ली में वलीमा किया जा रहा था, शानदार वलीमा, दुनिया भर का पैसा खर्च करके देखाया, दस्तरखान लगा दिया, चुपके से खड़ा हो गया कि कोई मेरी तारीफ करेगा। एक आकर के बोला घी ज्यादा दे दिया, खाया ही नहीं गया। दूसरा बोला यार नमक ज्यादा था, क्या खा सका, छोड़ दिया। तीसरा बोला गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। चौथा बोला मिर्च दे दिया है, अभी तो पता नहीं चलेगा, सुबह को जब बैतुल खुला जाएगा तो बाप से भेंट हो जाएगी। वो आदमी कान पकड़ करके उठता था बैठता था कि आज के बाद कभी वलीमा नहीं करूंगा, किसी बेटे का वलीमा नहीं करूंगा, जो वलीमे का पैसा होगा बेटी दामाद को दे दूंगा। तीसरी बात सुनिए जरा ध्यान से, मद्रास आपने सुना है, चेन्नई मद्रास आपने सुना है, वहां पर निकाह हो रहा था तो काजी साहब रजिस्टर लेकर के आए, खोल करके बैठे, कमरा काजियाना दो पहले। कहा कितना काजियाना लीजिएगा? कहा 3 लाख। कहा तुम्हारे बाप ने 3 लाख देखा है? कहा कि तुमने जब शादी में 30 लाख खर्च किया तो मैं 3 लाख जब तक नहीं लूंगा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। जिस बेशर्मी से तुम पैसा खर्च कर रहे हो उसी बेशर्मी से मैं काजियाना मांग रहा हूं। और जानते हैं दो परेशानी है, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में हैं तो बेटी वाला परेशान, और सऊदी अरब में बेटा वाला परेशान। बेटी वाला परेशान तो आप जानते हैं, गाड़ी मांगेगा, पैसा मांगेगा, सामान मांगेगा, बेटी वाला परेशान। और हिंदुस्तान से जाइए सऊदी अरब तो वहाँ बेटा वाला परेशान, बेटी वाला महर ज़्यादा मांगता है औकात से ज़्यादा, उधर बेटा वाला परेशान, इधर बेटी वाला परेशान। आपको सुन करके हैरत होगी, खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे। एक लड़की पर 8 रिश्ते आए, कोई मुकम्मल नहीं हुआ, सब आया चला गया। तो वो आदमी अपने दोस्त से कहने लगा यार देखो मेरी बेटी पर 8-8 रिश्ते आए, सब टूट गए, कोई मुकम्मल नहीं हुआ। बेटी पर्दे के पीछे सुन रही थी, उसको एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी बदनसीब औरत हूं, 8-8 जगह से रिश्ते आए, मुकम्मल नहीं हुए डिमांड के चक्कर में। अब रात में जब वो सोई तो चूहे की दवाई जो घर में रखी हुई थी घोल करके पी लिया, हमेशा के लिए सो गई। इस डिमांड ने मासूम की जान ले ली, इससे बड़ी नहुसत और क्या हो। निकाह इतना आसान है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इससे ज्यादा आसान कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। काजी होना शर्त नहीं है, काजी के बगैर भी निकाह हो जाएगा। खुतबा होना शर्त नहीं है, खुतबा के बगैर भी निकाह हो जाएगा। जुमा का दिन होना शर्त नहीं है, जुमा के दिन के बगैर भी निकाह हो जाएगा। दो आदमी मौजूद हो, लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ से इजाब कबूल कर ले, निकाह हो गया। जिस निकाह को नबी ने इतना आसान बनाया, हमने उसको उतना मुश्किल बना दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाल्लाह सादगी के साथ निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में ढोल पीट करके निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है,
हमारा तो ऐ हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई किसी शागरी है, दुका गोया फीकी सजावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। तीसरा पैगाम जल्दी।